क्या आप सुनने के आगे बहुत खराब है, शिव बाबा इसको ऐसी सजा दे दो, आता है ना, क्योंकि आत्मा अभी इतनी सतो प्रधान नहीं बनती, बद्दुआ निकलती है नहीं, क्योंकि उसको नहीं, उसको मिलेगी जरूर, लेकिन पहले मेरा मन खराब हो गया, ये गलत विचार कहाँ आया, उसके मन में नहीं आया, मेरे मन में आया, जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे, आप चाहते नहीं हो, आता है, तो क्या करना चाहिए, तो उसका उपाय। तब बाबा ने कहा चलते फिरते खाना खा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, संसार में चलते रहो, आंखें खोल के हरेक को देख लो, किसी को देखते आंखें बंद नहीं करो, आंखें झुकाओ नहीं, भगवान के बच्चे, हाँ देखते गलत विचार आया तुरंत समझाओ, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, अपने को सुधारो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसको सुधारने नहीं जाना, दूसरों को सुधार नहीं सकते, अपने को सुधारो, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ है तो आज के बाद मेरा याद बाबा को याद ही नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोलना, हाँ हम बाबा को याद करते हैं, ठीक, कठिन है तो बोलना, फिर लिख करके देना, नहीं चलते फिर हम याद नहीं कर सकते, समझ में आया भाइयों को, समझ में आया, कठिन है कोई, जो करेंगे वो पाएंगे, करना चाहिए, एक घंटे में एक ही दिन करो, आज रात को सोएंगे आप, देखना आज इधर से दिन में घर जाएंगे, रास्ते पर जाते हुए बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं, कौन है वो, सब शिव बाबा के बच्चे, बाबा ये आपके बच्चे, इनका कल्याण कब होगा, इनको कब सुख मिलेगा, इनको कब ज्ञान देंगे, आप कहते मैं सबका बाप हूं, बाबा इनको भी तो देना चाहिए, इनको भी ज्ञान मिलना चाहिए, पति ज्ञान में नहीं चलता है वो आपका नहीं, शिव बाबा का बच्चा, आपके घर में बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, आपके बच्चे शिव बाबा, इसका कल्याण कब होगा, इस बच्चा स्वर्ग में कब आएगा, ये पति आपका बेटा है ये कब स्वर्ग में आएगा, इसको कब कौन देवता बनाएगा, आपको बाबा से बात करते हो तो आपके संकल्प पहुंचना है, नहीं तो भारत ग्रस्त धर्म है, लेकिन पवित्र ग्रस्त धर्म, अभी अपवित्र ग्रस्त हुआ, क्यों कैसे अपवित्र हुआ, मेरा बेटा मेरा पति मेरा घर अपवित्र हुआ, सत्युग में भी पति पत्नी दोनों है, स्त्री पुरुष दोनों है, बच्चे भी है, घर भी है, सोना भी है, सब कुछ है, दोनों में अंतर क्या है, वहां लक्ष्मी को चार हाथ भी होता है, दो ही हाथ होते हैं, सोने का शरीर नहीं बनता, यहां भी सोने का शरीर नहीं, अंतर क्या है, समझ है ना, अपने को शरीर समझते हो तो देह का भान, मेरा शरीर मेरा पति मेरा बच्चे, यही अपवित्रता है, अगर इस एक शब्द को परिवर्तन करो तो गृहस्थ पवित्रस्थ बनेगा, छोड़ के जाना नहीं, पति को छोड़ के जाना नहीं, बच्चों को छोड़ के जाना नहीं, सबके साथ रहते हुए भी विचारों में इसमें कोई तकलीफ है नहीं, हाँ स्वर्ग लाना, स्वर्ग अपने आप ऊपर परम धाम से नहीं आएगा, आपको बनाना है, आएंगे जैसे सोचेंगे वैसे बनेगा, अगर आप मन में गलत विचार करो, जैसे सोचेंगे ऐसा ही बनेगा।